बहुत खुशी है और आई मीन फर्जी को 2 साल बनाया हम लोगों ने, कोविड की पहली वेव, कोविड की दूसरी वेव, दोनों को हमने हैंडल किया और बहुत वक्त लगा शो बनने में, बहुत सारे लोकेशंस थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि शायद हिंदुस्तान में अच्छा करेगा, बट इंटरनेशनली इट वॉज नंबर वन, ग्लोबली दैट वॉज ह्यूज, आई मीन आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ दैट, आई वॉज लाइक दिस इज जस्ट अमेजिंग लव। आई थिंक ज़माना वही है आजकल कि अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और अगर अच्छी नहीं होती है तो मतलब 2 मिनट में लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं। सो आई थिंक वो जो बीच का सिचुएशन था कि यू नो ठीक ठाक चीज़ें चल जाती थी, आई थिंक अब वो ज़माना चला गया है, या आप फर्स्ट आते हो या आप लास्ट आते हो, तो स्टेक्स आर ऑलवेज वेरी हाई। और मेरा OTT डेब्यू था फर्जी, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इंटायर टीम, मैं इसका क्रेडिट अकेले नहीं ले सकता बिकॉज बहुत लोगों की मेहनत है। लेकिन हाँ, मैंने पहली बार OTT पे डेब्यू किया और उसको इतना प्यार मिला, मुझे इसकी बहुत खुशी है। और ये भी रियलाइजेशन है कि आज की तारीख में OTT प्लेटफॉर्म की जो पहुँच है वो बहुत ज़्यादा है और उसको सीरियसली लेना चाहिए, फिल्म एक्टर्स को भी उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, और बहुत प्यार मिला मुझे, तो आई रियलाइज़ कि सच में बहुत पहुँच है OTT प्लेटफॉर्म। जी या फर्जी सीज़न 2 आई एम श्योर होगा, लेकिन इन चीज़ों में वक्त लगता है, 1.5-2 साल लगते हैं, क्योंकि शो ख़त्म होने के बाद 1 साल लगता है उसको पोस्ट प्रोडक्शन में, क्योंकि वो उसको आई थिंक कुछ 35-40 लैंग्वेजेस में डब करते हैं और 200 कंट्रीज़ में रिलीज़ करते हैं, तो जब शूट होगा उसके 1 साल बाद रिलीज़ होगा, तो आई थिंक 1.5-2 साल तो है फर्जी सीज़न 2 में डेफिनेटली। यार मुझे ना लोग आर्टिस्ट बोलते हैं, है ना, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बचपन से मुझे आर्टिस्ट ही बनना था, सो आई फील वेरी हैप्पी, और या वेरी हैप्पी मैन। पता नहीं, वो तो राज इंडिके को लिखना पड़ेगा, इतना पता है कि बहुत प्यार मिला है, तो आई एम श्योर होगा, और फिर वो सुनाएंगे, जब वो सुनाएंगे फिर हम बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम है, लेकिन आई एम श्योर इट विल बी ऑन द एजेंडा, आई एम श्योर। यस यस आई एम परफॉर्मिंग, यस ये असली है कि नकली है? अरे मैं तेरी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये आदमी पैसा तो सिर्फ बहाना था, फर्जी में एक्चुअली असली इंसान और नकली इंसान के बारे में बात हो रही है। यार मुझे तो दोनों असली लग रहे हैं, ये जैसे राशि खन्ना मुझसे उस सीन में पूछ रही थी ना, कौन सा असली कौन सा, ये वो कर रहा है। यस आई हैव अ फिल्म विद अली अब्बास जफर, दैट्स एन एक्शन फिल्म, वो आएगी इसी साल आएगी, एंड देन आई एम डूइंग अ फिल्म विद मैडक विद प्रीति सानोन, वो भी इसी साल आएगी, सो आई हैव 2 मोर रिलीजेस दिस ईयर। द फर्स्ट फिल्म इज एन एक्शन फिल्म विद अली, एंड दिस इज गोना बी अ हाई कॉन्सेप्ट रोमांटिक क्वर्की कॉमेडी, समथिंग लाइक दैट। थैंक यू, थैंक यू।